केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन का लोकतांत्रिक और दमनकारी रवैया यह दिखाता है कि सरकार आंदोलन से किस कदर डरी हुई है। बता दें कि पिछले माह भर से चैंपियन पहलवानों द्वारा यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर महिला सम्मान पर महापंचायत का आयोजन आंदोलनकारी पहलवानों के समर्थन में किया जाना था। इस प्रदर्शन में कई जानी मानी हस्तियां, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के नेता गणों को शामिल होना था, लेकिन लोकतंत्र अधिकारों का घोर उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को महापंचायत में जाने से रोकने के लिए सुबह से ही गिरफ्तार कर की और उन्हें उन्हीं के घर में ही नज़रबंद कर दिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले सहित इस घटना पर देश भर के कई संगठनों में आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी है और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी बीजेपी सांसद बृजमोहन चरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग उठी है। और विभिन्न संगठनों का, जिसमें महिला संगठन AIMSS, युवा संगठन AIDYO, छात्र संगठन AIDSO भी शामिल था, उनके द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, लेकिन सरकार के तरफ से यह महापंचायत नहीं करने दिया गया। महिला पहलवानों पर बर्बरता किया गया, घसीटा गया, मारा गया, उनके टेंट उखाड़ दिए गए, उनको गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, हमारे जो संगठन के जो लीडर्स हैं उन लोगों को भी सुबह 6 बजे घर से उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आज का यह मान बढ़ाने के लिए देश विदेशों से मेडल जीत करके आती हैं। आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं के साथ यौन उत्पीड़न का केस हुआ है, जो एक बहुत ही जिम्मेदार पोस्ट पे रहते हुए व्यक्ति बृजभूषण सिंह के ऊपर है, और उन्होंने इतना गंदा काम किया है। उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बेटी बचाओ बेटी